सो गाइस फाइनली रियलमी का GT Neo 5 SE ये स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च हो चुकी है गाइस, और ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन साथ लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन का सभी तरह कंफर्म फीचर्स, डिटेल एंड फर्स्ट लुक भी निकल के आ चुकी है गाइस, जो कि इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले रियलमी GT Neo 5 SE के कन्फर्म फीचर्स एंड डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो आगे बढ़कर बात करते हैं स्क्रीन के डिस्प्ले। तो 6.74 इंचेस की FHD प्लस 1.5 के 10 बिट OLED पैनल देखने को मिलने वाले, जो कि 144 हाई रिफ्रेश रेट के साथ मिलने वाले। साथ में इस पैनल में एडजस्टमेंट का सपोर्ट, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने वाले गाइस, जिससे कि Netflix, Amazon का कंटेंट आप अच्छी तरह से देख पाएंगे गाइस। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटिंग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिलने वाली है, वो भी RGB सेंसर के साथ, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल NOIS सपोर्ट के साथ मिलने वाली है। अगर टू लेंसेज का बात करें गाइस, तो अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का छोटू सेंसर भी देखने को मिलने वाली है। तो रियर से 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी वीडियो 30 FPS में शूट कर पाएंगे दोस्तों। अगर बात करें सेल्फी शूटर के दोस्तों, इस बार दिया जाएगा 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे। आगे बढ़कर बात करते हैं उनके हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 का प्रोसेसर, जो की 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बनी हुई दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलती है, और इस चिपसेट से गेमिंग आप नेक्स्ट लेवल का खेल पाएंगे गाइस। तो रियलमी का GT Neo 5 SE इस बार एंड्रॉइड 13 पर रन करने वाली है, और रियलमी UI 4.0 पर ऑप्टिमाइज होने वाली है दोस्तों। आगे बढ़कर बात करते हैं फोन के पावर बैकअप के बारे में। तो इस बार दिया जाएगा 5000 mAh नॉन लो पावर बैटरी एंड टाइप सी सपोर्ट के साथ, और इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए आउट द बॉक्स 100 वाट का सुपर बुक चार्जर का भी ऑप्शन में दिया जाएगा गाइस। अगर एक्स्ट्रा सेंसर की बात करें दोस्तों, इस बार दिया जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल एसटी स्पीकर, कंपास सेंसर, प्रॉक्सिमिटी जायरो सेंसर एंड सभी तरह का सेंसर प्रोवाइड कराने वाले गाइस। तो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले फोन के प्राइसिंग एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। इस फोन का प्राइस अप्रोक्स 30,000 के अराउंड में आ सकती है। अगर इस फोन का लॉन्चिंग डेट का बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, तो इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।